पहले उस दिन वो काटते साथ थे जी में, अच्छा अब कांग्रेस पार्टी में आ गई। अब सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, कहाँ तोड़ी का खरीदा है, घर का पेट पाला के हम सिलेंडर खरीदा। चट्टा साहब के राज में, कांग्रेस राज में आई थी कॉलोनी, उसके बाद तो मेरे साथ कोई कॉलोनी दस साल में एक कॉलोनी भी नहीं आई। दोस्तों सत श्री अकाल, गांव गढ़ी सिंघा के अंदर हम इस समय मौजूद है और गांव के यहां पर ये काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए मिले हैं, तो इनसे चुनाव के बारे में जानकारी लेते हैं। गरीब जनता सारी यहां पर मौजूद है। नाम है जी आपका? जसमेर सिंह जी। जी क्या कहना चाहोगे, चुनाव किन मुद्दों को लेकर के आप अब वोटिंग करने जा रहे हो, चुनाव आ गया है? मुद्दे ही हैं जी सारे, मतलब जितनी महंगाई इतना सारा, मतलब इसमें बीजेपी सरकार में बड़ी दिक्कत आई है, हर एक प्रकार दिक्कत ही है, गरीब नाल ज्यादा दिक्कत है। अच्छा जी सिलेंडर इतना महंगा, सारी क्या कह रहे जी, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, कहाँ तोड़ी का खरीदा है, घर का पेट पाला के हम सिलेंडर खरीदा है, लकड़ी ना कोई बालन नहीं, क्या हम रोटी से जी। आपके कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? हमारे सरकारी में ही पढ़ रहे हैं, प्राइवेट अच्छा। कोई बच्चा नहीं है अच्छा। जिसके जा रहे हैं उनकी भी फीस इतनी डबल डबल लग रही जान वास्ते अच्छा। बिल हुआ उससे भी ज्यादा भर भी रहे हैं और वो दुगना ही दुगना लग रहा वास्ते। काम क्या हा? करते हो आप? क्या हम कहे 10 रुपये की दिहाड़ी नहीं है, बेले पड़े 6 महीने में, कोई सीजन आवा कर ले नहीं, बेले पड़े और के करा। तो कौन सी पार्टी आपका भला कर सकती है? सालों के इतना देखते तो कांग्रेस नहीं देखेंगे भी, इसने तो 10 साल हो गए देखते कह दो दो साल मारे कोटे में तो दाने नहीं आए, हम करा के कह रही है सर, बीजेपी कह रही है मैं पांच मतलब दाने दे रही हूँ, दाने कहाँ दे रही है, दवाई दे रही है बोतल है उसकी तेल की, वे तो 2 महीने ना देवा, कह दे महीने का चढ़ गए ले है बता के खावा। क्या कह रहे हो जी, जो सरकार काम कर रही है उससे खुश हो आप या महंगाई लग रही है आपको, या क्या कहोगे? यो तो नहीं रिकॉर्ड, यो नहीं कह दी कुछ भी, ये आप इससे सहमत हो या इससे अलग है आपका? सहमत है इसी में, इसी के साथ सारे इसी में सहमत है। हाँ जी मकान बन गए जो कड़ियों वाले मकान थे, लेंटर वाली छत किसी? चट्टा साहब के राज में, कांग्रेस राज में आई थी कॉलोनी, उसके बाद तो मेरे साथ कोई कॉलोनी 10 साल में एक कॉलोनी भी नहीं आई। अच्छा 10 साल में एक कॉलोनी भी नहीं आई, जो कांग्रेस के राज में जो कॉलोनी आई थी वो आ गई थी। अब गरीब जनता तो मतलब सोचे ये भी थोड़ा मतलब पक्का मकान आई कुछ 10 साल में कॉलोनी वगैरह, तो कोई ग्रांट नहीं आया जी 10 साल हमने देखते हुए, कोई ना बदलाव तो आया नहीं अब तक। अच्छा कोई कोई गांव के अंदर कोई समस्या जो आपको आपने उठाई हो? और नहीं सर अभी तक तो नहीं आई। अच्छा कोई कॉलोनी वगैरह किसी की? किसी अब तक नहीं आई, कोई नहीं कह सकता भी अभी 10 साल में तो कोई आई, जो भी थी कांग्रेस की सरकार के वही रुके हुए आई है, जो भी आई है। अच्छा बाकी उसके बाद तो कोई कॉलोनी की नहीं, कोई कॉलोनी नहीं आई मेरे साथ। तो कोई जैसे सरकार कह रही है अभी मैंने नौकरियां बहुत दी हैं सबको, माना तो लगता नहीं किसी ने कोई नौकरी, आपके गांव में से कोई किसी को मिली है नौकरी? ना 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 मतलब अपने गांव में मारते कोई दूर तक रिश्तेदार में भी नहीं कोई नौकरी किसी को मिली। अच्छा कहने जो मर्जी कोई कही जाओ जी। हाँ सरकार कह रही है अभी आयुष्मान कार्ड मैंने बनवाए हैं उससे काफ़ी लोगों को फायदा मिला है, तो फिर आप उसको देख के वोट नहीं करना चाहोगे? मेरे को तो लगता नहीं जी, मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा क्यों, आयुष्मान कार्ड नहीं था? चला ही नहीं है जी। अच्छा इतना जी। हाँ जी वो आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछना चाह रहे हूँ जी, क्या उस बदलाव चाहते हो आप? आयुष्मान में ठीक है, आयुष्मान मतलब चल जा, पर वो स्टार्ट तो कांग्रेस ने किया था, पैसे इन्हें दिए पर कोई सारी मिल भगत डॉक्टर के इनकी सब सिस्टम इनका अपना या कुछ पता ही ना मना यू पता भी मतलब उसमें कितने पैसे निकल गए के करा कुछ करा कितने पैसे हैं कोई मतलब कोई पता नहीं इसके बारे में, वैसे उन्हें नहीं पता, जो अच्छा। बड़े अधिकारी हैं उन्हें नहीं पता सारा कुछ जी। जी हाँ जी क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका? सोनिया जी। अच्छा क्या कहोगे चुनाव आ गए? मैं तो यही कहूँगी बदलाव आना चाहिए जी कांग्रेस पार्टी में। अच्छा हाँ जी कांग्रेस पार्टी में बदलाव आना चाहिए या कांग्रेस पार्टी में कुछ करके दिखाए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं। बीजेपी पे क्यों विश्वास नहीं आपको? उसने कुछ किया नहीं आज तक जी, ना अच्छा। कोई कॉलोनी दी ना कोई ग्रांट दिया कुछ भी नहीं, ना कोई नौकरी ना लेना नहीं देना कुछ भी नहीं। अच्छा। जो राशन था वो भी कट कट के आ रहे, 1 महीने आ जाता है अगले महीने आता ही नहीं। आप एक बात बोल रहे हो बार बार भी कोई कॉलोनी नहीं आई और इतने सारे विज्ञापन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतने सारे हर रोज टीवी में आते हैं भी गरीब लोगों को घर दे दिए, पक्की छतें दे दी, लेंटर वाले मकान किसी ते भी नहीं दी, उरा तो 10 साल हो गए आप थोड़ी आई नहीं है। अच्छा 10 साल हो गए आई नहीं है, क्यों कह दे आई हम भी हैं, किसी का छप्पर पड़ रहे किसी का कच्ची छत पड़ रही है, किसका आई है किसी का नहीं आई है, 10 साल पहला आ ली जो उनसे आनी थी उसके बाद आई हो नहीं है किसी की भी। अच्छा कुछ आपका विचार क्या है जी? सर जी हम पहले उस दिन के साथ थे जी में, अच्छा अब कांग्रेस पार्टी में आ गए जी। अब अच्छा तो वो भी कांग्रेस पार्टी में ही है? वैसे तो रहते जी वो भी कांग्रेस में, पर अब नुआ जी अब और ज्यादा हो गया जी मजबूत काम। ठीक है
तो ठीक है जी, आप लोगों का इसके बारे में, पूरे चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। तो मिलते हैं किसी और अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।